ओथर टी हाव कहते हैं, आप मुझे अपने साथ बस 5 मिनट दीजिए, मैं प्रेरित करके बता दूंगा कि जिंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा, आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और दोस्तों वो ये बात इतने दावे से इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनर और बिलियनर सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और लाइफ को स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी बुक द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड में हमें समझाने की कोशिश करी है, जो वर्ल्ड की बेस्ट मनी मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक मानी जाती है, क्योंकि ऑथर इसमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और साइकोलॉजी को सीख के अपने अमीर और सक्सेसफुल बनने के सपने को सच कर सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जो हमें रिच और सक्सेसफुल बनाती है। ऑथर बताते हैं कि हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट एंड मनी ब्लूप्रिंट इन तीन एरिया से इन्फ्लुएंस होता है। नंबर वन, वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में आप जैसा अपने आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और फैमिली से सुनते हैं, वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसे कि पुअर पेरेंट्स का अपने बच्चों को बोलना कि ज्यादा पैसा सारे प्रॉब्लम की जड़ है, कोई भी कम समय में बिना गलत काम करे अमीर नहीं बन सकता है, ये सब थॉट्स हमारे पेरेंट्स अपने शब्दों और बातों से हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली डाल देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि इसलिए वो ऐसा कहते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पहले उनके आसपास के लोगों और उनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में डाले थे। वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बातें सिखाते हैं। नंबर टू, मॉडलिंग, जिस तरह से हम बचपन से अपने पेरेंट्स और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग हमारी मनी को लेकर हैबिट, शौक और लाइफस्टाइल को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अगर कोई अपनी पुअर कंडीशनिंग को चेंज करना चाहता है तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके कर सकता है। नंबर थ्री, स्पेसिफिक इंसिडेंट, कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव और नेगेटिव इंसिडेंट या सिचुएशन, जैसे कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियली बुरे वक्त, गरीबी और कठिनाइयों से गुजरना, वो ये सब देखकर आपको पैसों का इम्पोर्टेंस पता चलता है और फिर आप ये ठान लेते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को ये सिचुएशन दोबारा ना देखना पड़े। खैर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी आज के दौर में ज्यादा पैसा चाहते हैं, और आखिर पैसा किसको पसंद नहीं है, लेकिन सेल्फ मेड मिलियनर वही लोग बनते हैं जो ये बताए जाने वाली 17 वेल्थ फाइल को फॉलो करते हैं। नंबर वन, रिच लोग अपनी लाइफ को खुद क्रिएट और कंट्रोल करने में बिलीव रखते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां उन्हें लाइफ ले जाती है। नंबर टू, रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब लोग पैसे का खेल हार ना जाए इस डर से खेलते हैं, यानी कि अमीर लोग ज्यादातर फोकस कमाने में लगाते हैं और गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में। नंबर थ्री, अमीर लोग रिच बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, मतलब रिच लोग खुद से प्रॉमिस करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तो अमीर बनकर दिखाऊंगा, तभी वो दोस्तों के साथ पार्टी करने की जगह दिन रात अपने बिजनेस पर काम करते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं लेकिन कभी भी उसके लिए कोशिश या काम नहीं करते हैं, वो अमीरों की तरह जीना तो चाहते हैं लेकिन वैसे एक्शन नहीं लेते हैं। नंबर फोर, रिच लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं, साथ ही कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मेंटालिटी वाले छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और अपने लिमिटेड और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं, जो कि उनको अमीर बनने से रोकता है। नंबर फाइव, रिच लोग अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, वह जाए गरीब लोगों की तरह मुश्किलों और कठिनाइयों में फोकस करने के। नंबर सिक्स, रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच रखते हैं, तभी आपको लोग कहते हुए दिख जाएंगे कि अरे ये अमीर सिर्फ पैसे के सगे होते हैं और ये अमीर लोग गलत काम करके पैसे कमाते हैं। नंबर सेवन, रिच लोग दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं जिनके लाइफ में कोई एम्बिशन और गोल हो, ताकि वो भी अपने नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सके, वहीं गरीब लोग नेगेटिव, अनसक्सेसफुल और लूजर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। नंबर एट, रिच लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में भी अच्छे होते हैं, वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेलिंग, मार्केटिंग इनको भी गलत नजर से देखते हैं, तभी अगर कोई उनसे ज्यादा नॉलेज वाला पर्सन भी कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है या सेल कर रहा है तो वो उसे भी गलत नजर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला इंसान वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा है। नंबर नाइन, रिच लोग अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो हर प्रॉब्लम को छोटा समझ के सोल्व कर देते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम के डर और बोझ से वो खुद को कमजोर समझते हैं।
नंबर 10, रिच लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि उन्हें वो मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो फिर कोई कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या रिस्पेक्ट हो। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर होते हैं, यानी कि लो सेल्फ स्टीम की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते हैं। इवन कोई उनकी तारीफ कर दे तो उन्हें वो कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है ये भी पता नहीं होता। नंबर 11, रिच लोग रिजल्ट के बेस पर काम चूज करते हैं, वहीं पुअर लोग अपने टाइम के बेस पर काम चूज करते हैं। नंबर 12, गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते या हम सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं, या तो हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या सिर्फ फैमिली पर। वहीं रिच लोग डिफरेंट चीजों और ऑप्शन को ट्राई एंड मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब वो फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करने से डरते नहीं है। नंबर 13, रिच लोग अपनी नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि उनके ओवरऑल एसेट्स, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर उनके खुद की क्या नेटवर्थ है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास अपनी सैलरी और इनकम पर फोकस करते हैं। नंबर 14, रिच लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल फाइनेंशियल बुक और इंटरनेट की मदद से सीखते हैं, और वहीं गरीब लोग पैसों को खर्च और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं और ये अपने आसपास के लोगों, सेलिब्रिटीज और टीवी को देखकर सीखते हैं। नंबर 15, रिच लोग अपने पैसों का एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करता है और पैसा बनता है, वहीं गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर ही नहीं लगता, उन्हें भी कोई एक्शन या रिस्क लेने के पीछे का रिस्क महसूस होता है, लेकिन वो उस डर को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं और ना ही उस डर को अपने रिच बनने की जर्नी में बाधा बनने देते हैं। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन नहीं ले पाते और उनका यही डर उनके सपनों और उम्मीदों से ज्यादा ताकतवर होता है। लास्ट नंबर 17, रिच लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, और दोस्तों जो इंसान ये समझता है कि उसे सब कुछ पता है तो वो इंसान कभी भी ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुछ नया जानना और सीखना ही बंद कर दिया है और वो सिर्फ अपने लिमिटेड बिलीव्स के साथ ही जी रहा है। तो दोस्तों ये थे अमीर लोगों के 17 वेल्थ फाइल सीक्रेट। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस वीडियो से क्या नया सीखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, वरना डिसलाइक करके हमें जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।